What's up, guys? Welcome back to my channel. Let's continue Cap the Series Season 2 Best of Novel Chapter 27 Part 3. Okay, तो जिम बहुत ही गुस्सा हो गई थी कॉज सैम आकर उसकी सारे फन एकदम बेकार कर दी। कैट बहुत ही नाराज होती है और वो कहती है कि आगे से वो इस बार पर कभी नहीं आएगी। आफ्टर ऑल शी इज़ एन एक्टर, उसकी फैंस के दिल को वो तोड़ना नहीं चाहती है। तो जिम अनऑफिशियली एक बीच ट्रिप प्लान कर देती है। तो यूकी मान लेती है और मॉन ज़्यादातर अगर कोई ट्रबल पर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कॉज खन सैम ऑलवेज उसके साथ जाती थी, वो जहाँ पर भी जाती थी। बट राइट नाउ वो बहुत सैड और बहुत अकेले महसूस कर रही है कॉज खन सैम अब उसके साथ नहीं है। नाउ बहुत टाइम बीत चुकी है और उसकी माइंड पर भी बहुत सारे चेंजेस आ चुकी है, लाइक उसकी मेमोरीज़ की तरह खन सैम और उसकी लव रिलेशनशिप में भी बहुत चेंजेस आई है। अगले सीन में मॉन घर आ जाती है एंड नाउ मॉन अभी घर पे ही रहती है। उसके पेरेंट्स भी ये कहना बंद कर दिया है कि वो खन सैम के साथ क्यों नहीं रह रही है। मे बी उन लोगों ने अभी गेस कर लिया है कि खन सैम और उसके बीच अभी प्रॉब्लम्स चल रही है। मॉन की मॉम थोड़ी परेशान थी कॉज मॉन पहले की तरह उतनी टॉकेटिव नहीं थी। मॉन की मॉम उसके पास आती है और उसके साथ कंफर्टेबली बात करती है। उसकी मॉम कहती है, मॉन अगर मॉम लुइंग यहाँ नहीं आना चाहती है और तुमसे बात नहीं करना चाहती है तो तुम जाना और उनके साथ बात करना। तुम्हें पता है ना कि मॉम लुइंग किसी से माफ़ी नहीं मांगती है, रॉयल खून के पर्सन्स ये सब कुछ नहीं करती है। उसकी मॉम अभी भी खून की डिफरेंस कर रही थी। मॉन अपने हाथ को देखती है और उसे टाइटली होल्ड करती है। उसे नहीं पता कि वो अब क्या करेगी, उसे नहीं पता कि वो सैम को अब अप्रोच कैसे करेगी। उसकी मॉम कहती है, इन द पास्ट जब तुम दोनों एक साथ नहीं थे तो वो तुम्हें थे जो सैम को अप्रोच की थी और वो सब कुछ कर रहे थे अपने कन सैम से मिलने के लिए, ये सच नहीं है? तो तुम इस टाइम पे ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ये करोगे तो तुम ये कर सकते हो, यू डेफिनेटली कैन डू इट, मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ। मॉन अपनी मॉम की आंखों में सीरियसली देखते हुए कहती है, इस टाइम पे मैं बहुत डर रही हूँ, अगर मैं खुद सैम के साथ क्लोज जाऊँगी तो कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए। उसकी मॉम कहती है, तो तुम अब बस गिव अप करने वाले हो? ओह कम ऑन, यू आर अ लवली पर्सन मॉन, एवरीवन विल इजीली फॉल इन लव विद यू, तुम्हें ये करना ही होगा मॉन। मॉन एकदम जंप करके अपनी मॉम को हक्का लेती है और उनके शोल्डर पर अपने हेड को रखती है। मुझे इनक्रेजमेंट करने के लिए थैंक यू मॉम, खुद सैम को अभी मेरे बारे में सब कुछ याद नहीं है, बट आई एम श्योर खुद सैम सब कुछ रिमेंबर कर लेगी अपनी ओन फीलिंग से। उसकी मॉम कहती है, मेमोरीज़ इम्पॉर्टेंट है बट राइट नाउ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिस टाइम अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो तुम उन्हें अप्रोच करो, उन्हें अगेन तुम्हारे लिए लव फील करवाओ एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। मॉन कहती है, हाँ मैं बहुत ट्राई करूँगी बट आई थिंक खन सैम ने अभी मुझे छोड़ दिया है। उसकी मॉम कहती है, आई नो कि तुम अपने बेस्ट दोगे खन सैम को वापस लाने में, फ्रॉम नाउ तुम्हें उन्हें अगेन अप्रोच करनी होगी। मॉन कहती है, आई रियली डोंट नो मैं ये कैसे करूँगी, उनकी फ्रेंड ने मुझे बीच पर जाने के लिए इनवाइट किया है। मॉन की मॉम कहती है, ओके गुड, टेक दिस अपॉर्चुनिटी और खुद सैम के साथ एकदम पैचअप कर लो। मॉन सोचती है, बीच की एटमोसफियर बहुत नाइस है बट खुद सैम वहाँ नहीं जाएगी, सैम की फ्रेंड ने उन्हें नहीं बताया है। उसकी मॉम कहती है, और तुमने भी उसे नहीं बताया? मॉन कहती है, उसके मॉम कहती है, वेल
तुम्हारी मॉम तो तुम्हारे ग्रुप की कोई पार्ट नहीं है, तो मॉम खुद सैम को बताएगी। वो अपने मॉम की ओर टर्न करती है। उसकी मॉम कहती है, मॉम बताएगी खुद सैम को। मॉम उन्हें बताएगी और ये भी कहेगी कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। मॉम तुम्हारे लिए ये वे ओपन कर देगी ताकि तुम खुद सैम के साथ पैचअप कर पाओ। एंड दिस इज़ द टाइम जब तुम खुद सैम को अप्रोच करोगे और उनके साथ सब कुछ ठीक कर लोगे। तुम श्योर हो ना कि ये अब ठीक ठाक हो जाएगी? मॉन अपनी मॉम की क्वेश्चन की आंसर देते हुए नोट करती है। तो इस टाइम पे बस टी, जिम या फिर कैट ने प्लान नहीं की थी, वो अपने मॉम के साथ बात करके ये रियलाइज़ करती है कि वो भी एक फ्लर्टिंग पर्सन है। बट कॉज वो ऐसा कुछ कर नहीं पाई तो वो अपने मॉम की हेल्प लेती है। उसकी मॉम ही खुद सैम के साथ बात करेगी। मॉन लाइक कुछ नहीं जानती है कि खुद सैम पहले बीच पर गए थी पर उसे बिना बताए, बट मॉन को ये सब कुछ कम्प्लीटली पता है। पहले जब उसकी मॉम ने खुद सैम को बुलाई थी तो मॉन बहुत रिग्रेट कर रही थी कि वो खुद सैम के साथ नहीं मीट कर पाई। बट बाद में जब वो घर वापस आई तो उसने ऐसा एक्ट कर रही थी कि उसे कुछ भी नहीं पता है। अगले सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखा जाती है। आज 4 डेज बीत चुकी है एंड आज ही वो डे है जब वो सारे लोग बीच पर जाएगी। वो लोग कैट की वैन यूज़ करती है जो कैट यूजुअली अपनी फिल्मिंग लोकेशन के लिए यूज़ करती है। ये ट्रिप ओनली सिंगल्स लोगों के लिए है, नॉट इंक्लूडिंग पे जिम, कॉज वही बस सोचती है कि वो अकेले ही सिंगल है। बट ये ट्रिप ओनली सिंगल लोगों के लिए नहीं थी, कॉज जिम ने अपने साथ अपने 2 बच्चे को भी लेकर आई थी। कैट कहती है, जिम तुमने अपने साथ 2 अनाथ को क्यों लेके आए? ये कहते ही कैट थोड़ी गुस्से में जिम के बच्चे की ओर देखती है। जिम कहती है, ओ प्लीज़, वो लोग अनाथ नहीं हैं। वो लोग जान चुका था कि मैं बीच पे आ रहा हूँ तो इसलिए वो लोग भी मेरे साथ आ गया। कैट कहती है, बट ये ट्रिप तो ओनली सिंगल्स के लिए थी ना, बट तुम अपने 2 बच्चे के साथ चले आए। आई कॉन्ट बिलीव दिस। जिम कहती है, कैट वो दोनों तुम्हारे नेफ्यूज़ है तो प्लीज़ उनकी ओर ऐसे मत देखो। कैट कहती है, आई एम जस्ट अनॉइंट विद यू। ये कहते ही वो जिम की 2 बच्चे की ओर देखते हुए कहती है, हेलो ऑर्फन। कैट जिम की 4-year-old सॉन को बुलाती है, एज इफ दैट वॉज देयर नेम। फिर कैट उस बच्चे की ओर देखती है जो जिम के हाथ में थी। वो उसकी ओर देखते हुए कहती है, हेलो डार्लिंग। जिम उसकी ओर देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी कैट, क्या तुम सच में एक एक्ट्रेस हो या फिर चाइल्ड बुली? कैट कहती है, आई एम एन एक्ट्रेस, नॉट अ फेरी ऑफ गॉडनेस। मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इवन वो सब मेरे फ्रेंड्स के बच्चे ही क्यों ना हो। जिम कहती है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तुम तो बहुत हैप्पी थे। कैट कहती है, मुझे फैमिली देखना पसंद है बट फैमिली बनाना नहीं, और छोटे बच्चे को ऑफकोर्स घर पर रहना चाहिए। ऐसे ट्रिप पे जाना एकदम बेकार हो जाएगी। तभी मॉन की एंट्री होती है। मॉन आकर ही कहती है, किड्स आर रियली क्यूट। मॉन बहुत हैप्पी और बहुत ब्राइट फील करती है कि वो 2 बच्चे उनके साथ ही जा रही है। मॉन बहुत प्यार और स्माइल के साथ उन दोनों की ओर देखती है। दोनों की हाथ, दोनों की फेस, दोनों की सब कुछ काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी एंड ऑल्सो बहुत क्यूट भी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी जिम इन बच्चों को संभालने के लिए। जिम कहती है, आ थैंक गॉड के इस ट्रिप पर कोई अच्छा तो है, नॉट लाइक कैट की तरह बैड पर्सन। कैट कहती है, ओके मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। फिर अगले सीन में फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनी पहुँच जाती है। वो लोग पी कैट की एक फार्म हाउस पर आती है जो कैट ने 5 साल पहले बाय की थी। कैट ने ड्रीम देखी थी कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो इस बिच की इस हाउस पर रहेगी।
तो उन्होंने ये हाउस बाय कर ली। ये हाउस एकदम लग्जरी डेकोरेटेड हाउस थी एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। और रिच वुमन कैट अपने पूरे हाउस को एकदम एक्सपेंसिव चीज़ों से भर दी थी। मॉम सोचती है नॉट द सेम एज कंसैम, बट वाई मैं कंसैम के साथ क्यों कंपेयर कर रही हूँ। इवन थॉट वो तो यहाँ पे आया भी नहीं। आई कांट हेल्प बट थिंक अबाउट इट। तभी यूकी कहती है व्हाट्स रॉन्ग मॉन, तुम क्या सोच रहे हो। यूकी जिसे रियलाइज हो जाती है कि मॉन कुछ तो सोच रही है, मॉन जल्दी से अपने हेड को शेक करते हुए कहती है नो मैं बस सी को एंजॉय कर रही हूँ। ऑल राइट गाइस, आई थिंक इस बीच ट्रिप पर मे बी आई जस्ट होप कि कन सैम आएगी आगे। अगर सैम आती है तो ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाउ कौन कम ऑन, इट्स योर टर्न। अब तुमने खुद सैम को इतने ज़्यादा परेशान किया है तो थोड़ी तो तुम्हें उन्हें मनानी ही पड़ेगी। अब इतने दिनों से तुमने जो खुद सैम को बार बार रिजेक्ट कर दिया है तो थोड़ी बहुत इफेक्ट तो सैम पर आएगी ना। तो नाउ इट्स योर टर्न, तुम्हें खुद सैम को मनानी होगी। एंड यू कैन डू इट मॉन, इतना मत डरो। ओके माय फैम्स, आई जस्ट होप कि नोबल पे अब खुद सैम की एंट्री हो जाए बस, तब तो ये ट्रिप और आगे की चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके सो मिलते बहुत जल्द चैप्टर 27 पार्ट 4 को लेकर। ओके तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।